हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ इंग्लिश असाइनमेंट का सेकंड पार्ट कुछ ही दिनों पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आप सभी के साथ शेयर किया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया इसीलिए मैं आप सभी को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ आई होप आज की वीडियो भी आपको काफी हेल्पफुल होगी तो इसीलिए वीडियो को आप सभी जरूर पूरा देखें और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें जिससे की हर किसी को इससे हेल्प मिल सके तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वर्कशीट है अंडरलाइन द करेक्ट डूंग वर्ड्स इसमें बच्चों को डुइंग वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करना है डूइंग एक्शन वर्ड जिसमें एक्शन हो रहा है कुछ काम हो रहा है जैसे आई एम वॉचिंग टेलीविजन तो वॉचिंग के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क प्लेइंग डूंग वर्ड है द कैट ड्रिंक्स मिल्क ड्रिंक्स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे Riya is singing very loudly. Singing. The aeroplane is flying high up in the sky. तो इसमें से doing word कौन सा है Flying. तो flying के नीचे underline करना है My mother is making lemonade. Making के नीचे हम underline करेंगे And the last one is Alia is eating Chinese food. Eating is a doing word. So इस तरह से बच्चों को सभी doing words के नीचे underline करना है वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन इसमें बच्चों को ऑप्शन दिए गए हैं और जो करेक्ट प्रिपोजिशन है उसे बच्चों को सिलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है सो so फर्स्ट हम देख लेते हैं द मैप इज डैश द वॉल तो ऑन आएगा या अंडर आएगा करेक्ट प्रिपोजिशन हो जाएगा ऑन द मैप इज ऑन द वॉल नंबर टू दे आर स्टैंडिंग डैश द रूफ

एट तो यहां पर आ जाएगा एट वन पी एम आई स्टैंड डैश रीना इन द लाइन बिहाइंड और अंडर करेक्ट आंसर विल बी बिहाइंड आई स्टैंड बिहाइंड रीना इन द लाइन माई स्कूल इज डैश आर हाउस सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियर माई स्कूल इज नियर आर हाउस बिल्कुल इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बनाकर बच्चों को प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस जरूर कराएं चूज दिस और दीज एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस यहाँ पर बच्चों को दिस और दीज का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि सिंगुलर के लिए उन्हें दिस लगाना है और प्लूरल के लिए उन्हें दीज लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है जैसे फर्स्ट है डैश आर एपल्स एप्पल्स क्या है प्लूरल है तो यहाँ पर लगेगा दीज दीज आर एप्पल्स नंबर टू डैश इज माई बैग बैग सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे दिस दिस इज माई बैग इस तरह से नंबर थ्री में हम देख लेते हैं डैश आर बलून्स बलून्स एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है तो इसके लिए हम लगाएंगे दीज दीज आर बलून्स दिस इज अ पेन नंबर फाइव डैश आर फ्रूट्स एक से ज्यादा है तो लगाएंगे दीज आर फ्रूट्स बिल्कुल इस तरह से आप बच्चों को दैट एंड दोस्त की प्रैक्टिस भी जरूर करा सकते हैं चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कम्प्लीट दी सेंटेंसेस यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सेंटेंसेस कम्पलीट करना है सो so फर्स्ट है आई लव माई फैमिली शी इज योर सिस्टर दिस इज स्कूल लुक एट द चिल्ड्रेन देयर क्लोथ्स आर सो सोदर्टी दिस इज टीनास शूज डैश लेस इज टन शूज थिंग्स है तो थिंग्स के लिए हम लगाएंगे इट्स इट्स लेस इज टन मिस्टर रॉय हैज अ कार डैश कार इज बिग सो यहाँ पर लग जाएगा हिज हिज कार इज बिग सो बिल्कुल इस तरह से आप बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं और नेक्स्ट वर्कशीट इज अंडरलाइन दर्ड दोज द फ्यूचर एक्शन इसमें बच्चों को सेंटेंस रीच करना है और जो वर्ड फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है उसके नीचे उन्हें अंडरलाइन करना है फर्स्ट so है आई शेल गो टू स्कूल टूमारो मैं कल स्कूल जाऊंगा तो इसमें से कौन सा वर्ड हमें फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है शेल गो तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है सेकेंड वन इज वी शेल वेट फॉर यू इन द इवनिंग हम शाम को आपकी प्रतीक्षा करेंगे तो so, इसमें से कौन सा वर्ड फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है शेल वेट तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है नेक्स्ट है माय फादर विल कैच द मॉर्निंग फ्लाइट टू डेली मेरे पिता दिल्ली के लिए सुबह की उड़ान पकड़ेंगे तो इसमें से कौन सा फ्यूचर एक्शन है विल कैच तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच तो इसमें से हमें कौन सा अंडरलाइन करना है विल विन एंड दी लास्ट वन इज आई थिंक इट विल रेन टू नाइट मुझे लगता है की आज रात को बारिश होगी तो इसमें से कौन सा वर्ड हमें फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है विल रैन तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है तो so इस तरह से आप बच्चों को फ्यूचर एक्शन वाले वर्ड की प्रैक्टिस भी जरूर करा सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स इट इज रेराइटिंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि जब भी वो किसी सेंटेंस को लिखने की शुरुआत करते हैं तो उन्हें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना चाहिए और अगर सेंटेंस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उस सेंटेंस के एंड में उन्हें क्वेश्चन मार्क लगाना है और यदि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के एंड में उन्हें फुल स्टॉप लगाना है और जो प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर उन्हें कैपिटल में ही लिखना चाहिए सो तो इस तरह से बच्चों को ये वाली वर्ड वा सॉल्व करनी है हम फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हु इज शी तो यहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और ये क्वेश्चन कर रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा सेकेंड वन इज डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डेली और इंडिया ये दोनों भी प्रॉपर नाउन है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा और यह एक सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा लास्ट है द बुक्स आर ऑन द टेबल तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगेगा बिकॉज यह एक सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल इस तरह से सो so फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड वर्कशीट आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी आप सभी को यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक like, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर